नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में जिनकी कंप्लेंट्स हैं। एक कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट हमें ये बोलते हैं कि सर मैंने एक किसी कॉलेज में, सोनीपत में कॉलेज है, ये संभाल का जगह पड़ती है, वहाँ कॉलेज है, वहाँ पर उसने 37 स्टूडेंट्स के एडमिशन्स करवाए थे जिसमें उसने अपनी कंसल्टेंसी 5000 एक एडमिशन पर रखी थी। उसने एडमिशन्स करवा दिए, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद में उसने देखा कि लगभग 13 स्टूडेंट उसके ड्रॉप आउट हो चुके हैं, सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं हुए। उन लोगों ने उनको फीस पे नहीं की है, बट कॉलेज ने उसको क्या किया, फर्स्ट ईयर में तो एडमिट कार्ड सबको दे दी कि उसने पूरी पेमेंट कर दी थी। जैसे ही सेकेंड ईयर आया तो उसने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद में उसने देखा कि कॉलेज ने सभी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड रोक दिए और कॉलेज उसको डिमांड करता है कि आप पूरे स्टूडेंट्स की पेमेंट आप सबमिट करवाइए, जितने भी 37-38 आपके स्टूडेंट्स हैं, वरना हम आपको एक भी एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो इसमें आप बताइए कंसल्टेंट की गलती कहाँ से हुई। स्टूडेंट ने पेमेंट सेकेंड ईयर की नहीं की तो वो भी नहीं करेगा, अपने घर से तो करेगा नहीं। 5000 एक स्टूडेंट पर उसका कमीशन था, फीस लगभग कोई 70,000 पे रही होगी, 35,000 रुपये को वो इंटू करेगा अगर लगभग 15 स्टूडेंट से भी, तो वो 4.5-5 लाख रुपये का लॉस कैसे बियर करेगा। एक तो ये समस्या बहुत बड़ी उसके सामने थी। फिर एक स्टूडेंट ने मुझे कंप्लेंट की, स्टूडेंट मुझे ये बोलता है कि सर मैंने तो अपनी फीस पूरी दी थी अपने कंसल्टेंट को, वो बिहार में कोई था, उसने कॉलेज से कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया। और मैंने आपको बताया ना जैसे कि ये कॉलेज वाले ज़्यादातर क्लासेस को कंटिन्यू नहीं करवाते, कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने अटेंडिंग करवा देते हैं, ये लोग वो कैंडिडेट जाते हैं सिर्फ एग्जाम देने, प्रैक्टिकल देने, उनका काम हो भी जाता है, ये तो मिली भगत है, सब आपस में ये लोग करते हैं। तो वही उस स्टूडेंट का चल रहा था, तो उस स्टूडेंट ने क्या किया कि वो अपनी पेमेंट उसने उस कंसल्टेंट को कर दी, पूरी पेमेंट जिसने भी एडमिशन लिया उसने 90,000 में, और वो उसके बाद उसने कॉल उठाना बंद कर दिया। हालांकि तभी इस स्टूडेंट को उस कंसल्टेंट के बारे में कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी पुलिस में या फिर कॉलेज को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसने नहीं किया। सेकेंड ईयर का एग्जाम्स आया, वो अपना एडमिट कार्ड लेने बिहार से, वो लेडी थी बेचारी, वो उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे साथ में उनके, आई थी वो एग्ज़ाम देने, आया तो कॉलेज भी देखिए इतना ज़्यादा बेशर्म वो कॉलेज था जिसने कि उसको एडमिट कार्ड तक देने मना कर दिया। और उसने क्या बोला उसको कि मेरे पास सिर्फ आपकी 30,000 की पेमेंट जमा है, मैं आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं करूँगा। उसको लटकाए रखा बेचारी का एग्ज़ाम के दो दिन, वो उनको रिक्वेस्ट करती रही, उसने कहा पूरी पेमेंट दीजिए वरना मैं एडमिट कार्ड नहीं दूंगा। जबकि स्टूडेंट का ये अधिकार है कि उसको एडमिट कार्ड मिलेगा, वो एग्ज़ाम्स देगा, फीस का इशू एक सेकेंडरी पार्ट है, किसी का भी एग्ज़ाम आप नहीं रोक सकते हैं, कॉलेज को इतनी पावर नहीं दी है किसी भी यूनिवर्सिटी ने। फिर अगले दिन उसका एग्ज़ाम था सुबह, तो उसको सुबह बुलाकर वहाँ पर लगभग कोई 9:30 बजे उसको एडमिट कार्ड दिया और उससे अंडरटेकिंग लिखवाई गई कि मेरी फीस आप एक हफ्ते के अंदर अंदर पे कर देंगे। अब आप बताइए उस स्टूडेंट की इसके अंदर गलती क्या है, क्योंकि वो पूरी फीस दे चुकी है, रिसीविंग सारी शो कर चुकी है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि अब इस केस में क्या किया जाए। दोस्तों देखो, कंसल्टेंट ने जो पेमेंट उसको की है, पहली बात तो उसके बाद सारी उसकी रिसीविंग्स होनी चाहिए जितनी पेमेंट उसने कॉलेज को दी है। दूसरी बात, MOU, मैं हमेशा बोलता हूँ MOU ज़रूर होना चाहिए कॉलेज के साथ में कि आपका कमीशन कंसल्टेंसी कितनी है हर एडमिशन पर। दूसरी बात, मैं हमेशा बोलता हूँ अथॉरिटी लेटर किसी भी कॉलेज का ज़रूरी है आपके पास होना, वरना इस केस में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब अगर आप मान लीजिए आपके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, फिर तो कॉलेज एक चारा बनता है, आप उससे बैठ कर डिस्कस कीजिए, और कॉलेज बिल्कुल भी नहीं आपकी बात मानता है तो फिर आप कंसर्न यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए, कंप्लेंट करके वो लोग उस पर जरूर एक्शन करेंगे। क्योंकि सेकेंड ईयर में जब स्टूडेंट प्रमोट ही नहीं हुआ, सेकेंड ईयर गया ही नहीं है, तो आपको उसका फ़ी भी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट उस टाइम अगर आपको वो एडमिट कार्ड नहीं देता है कॉलेज वाला और बिल्कुल रोक देता है, हालांकि दो दिन पहले ही ये प्रोसेस होना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, हमने पहले भी ये करवाया है, ये 14-15 में ऐसा कुछ एक इशू नारनौल के किसी कॉलेज के साथ में हो गया था, एक हमारे जानकार का, तो हमने वो शॉर्ट आउट करवाया था। तो आप दो दिन पहले ही कंप्लेंट कीजिए, एक्शन नहीं होता है तो उसके बाद अब आप क्या कीजिए, पहले तो आपको पूरी पेमेंट देखो करनी ही पड़ेगी, आप फंस चुके हो, पूरी पेमेंट कीजिए, रिसीविंग उनसे पूरी लीजिए, सब कैंडिडेट्स का नोड्यूज लीजिए, स्टैम्प करवाइए उसके ऊपर उनके लेटर हेड पे, और वो अपने पास रख लीजिए, फिर उनकी कंप्लेंट करना शुरू कीजिए। यूनिवर्सिटी जाइए, VC से मिलो, रजिस्ट्रार से मिलो, वहाँ जाके मिलिए लोगों से और बताइए कि मेरे साथ में ऐसा ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर ज़रूर होगा। अब आते हैं स्टूडेंट की, स्टूडेंट ने जिसने पेमेंट की और उसके एग्ज़ाम अब वो कॉलेज नहीं करने दे रहा। देखो, एग्ज़ाम तो कोई भी किसी का नहीं रोक सकता, ये इतनी पावर नहीं है कॉलेज को, और फिर भी अगर ऐसा होता है तो सेम प्रोसेस आप भी फॉलो करोगे। अगर आप दो दिन पहले आ गए हो तो यूनिवर्सिटी जाइए, और नहीं आ पाए हो तो आप पहले उस टाइम तो पेमेंट कर दीजिए, रिसीविंग कटवाइए,
उसके बाद उस कंसल्टेंट की कंप्लेंट कीजिए और इस कॉलेज की भी कंप्लेंट कीजिए। आप ये स्टेप लोकल थाने में भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। और ये जो कंप्लेंट आप करोगे, आप एक बार याद रखना, इसकी कंप्लेंट आप जाकर, अगर आप मान लीजिए बिहार से हो तो बिहार में नहीं करोगे आप ये कंप्लेंट, वहाँ नहीं लिखी जाएगी। ये कंप्लेंट करोगे अगर मान लीजिए नारनौल का कॉलेज है तो नारनौल में, सोनीपत का सोनीपत में, समालखा में, जहाँ का कॉलेज होगा वहीं जाके आप इसकी कंप्लेंट करेंगे। और फिर भी आपको कोई किसी तरह की मदद आपको नहीं मिलती है, परेशान हो और ये लोग परेशान करते हैं, तो देखो पहले से ही आपको अवेयर रहना होगा इसके ऊपर। अगर टाइम रहते आप अगर हमें इन्फॉर्म करते हैं या फिर अपने किसी जानकार, अच्छे जानकार को बोलते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपका ज़रूर निकलेगा। वरना तो आपको पूरी फ़ी पे करनी ही पड़ेगी, इस लॉस को आपको बियर करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मुझे और मेरी टीम को तो लगातार धमकी भरे कॉल्स आते रहते हैं। कई बार ये व्हाट्सएप कॉल हमें कर देते हैं और धमकाते हैं हम लोगों को कि इस तरह की वीडियोज, इस तरह की जानकारी मैं क्यों शेयर करता हूँ और क्यों बोलता हूँ, मेरे अगेंस्ट ये लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो, मुझे इस चीज़ सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मेन मोटो है, जो मैं बिल्कुल निश्चय, दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए, कि मैं किसी भी कॉलेज को या किसी भी यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नाजायज़ नहीं करने दूँगा, किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं होने दूँगा या किसी भी कंसल्टेंट को परेशान नहीं होने दूँगा। बस मेरा और मेरी टीम का यही मोटो है। आप हमारे एनजीओ के साथ जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़िए, आप लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ इसमें फंसते कौन है? गरीब लोग। अमीर लोग नहीं फंसते हैं, अमीर लोग तो अपनी पावर दिखा के निकल जाते हैं, गरीब लोग बेचारे फंस जाते हैं। वो अपने पेमेंट देते हैं, एडमिशन लेते हैं, बाद में कॉलेज वाले ये चार्ज, वो चार्ज, बुक चार्ज, अभी इनके एक्स्ट्रा करिकुलम चार्ज, बहुत तरह के चार्जेस ये लोग ठोक देते हैं गरीब लोगों पर। आप कोई प्रॉब्लम है आप हमें कॉल कीजिए। शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, आपने मेरा पूरा लेक्चर सुना, धन्यवाद।